उधर रेल घूसकांड में हुआ है नया खुलासा। पवन बंसल का बचना अब मुश्किल हो गया है। सीबीआई को कुछ और अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों से पक्की जानकारी है कि विजय सिंगला और महेश कुमार के बीच फोन पर हुई बातचीत की जांच में बंसल बुरे फंसे हैं। भांजे के फोन से फंस गए मामू। बंसल के और करीब पहुंची सीबीआई। सीबीआई के पास विजय सिंगला और महेश कुमार के बीच 100 से 125 घंटे की बातचीत के टेप हैं। सूत्र बताते हैं कि सीबीआई ने इसे बड़े गौर से सुना है। इसमें 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बंसल को बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि सिंगला और महेश कुमार की बातचीत में कैसे बंसल फंस गए हैं। हेलो सिंगला साहब। हाँ कैसे हैं? मेरे काम का क्या हुआ? 10 करोड़ रुपए लगेंगे। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। 10 करोड़ से कम में काम मुश्किल है। मेंबर स्टाफ के पोस्ट से पानी का खर्च भी नहीं निकलता है। भाई 10 करोड़ से कम में रेल मंत्री नाराज हो जाएंगे। मीटिंग में कौन कौन होंगे? आपके काम के लिए कई अधिकारी होंगे। पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला और महेश कुमार के बीच लगातार प्रमोशन के लिए बातें हो रही थी। बीच बीच में मंजुनाथ पैसे कम करवाने के लिए सिंगला को फोन करता था। सूत्रों की माने तो इन सारी बातचीत में कई बार रेल मंत्री का जिक्र आया है। अब सीबीआई के सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या विजय सिंगला अपनी बात में दम लाने के लिए पवन कुमार बंसल का नाम ले रहा था या फिर इस डील में वाकई में उसकी पवन कुमार बंसल से बातचीत हुई थी। सीबीआई कॉल रिकॉर्ड की फाइलों से मेल करा रही है। सीबीआई कह रही है कि पवन कुमार बंसल के बारे में कई सबूत हैं। कुछ और ठोस सबूत मिलते ही पवन कुमार बंसल से पूछताछ शुरू हो जाएगी। कैमरामैन सुनील के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली।